तो मैं फिर से आ गया एक न्यू वीडियो लेकर, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मार्वल की कुछ न्यूज़, अपडेट्स एंड रूमर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली सोनी पिक्चर्स ने टू अनटाइटल मार्वल मूवीज का रिलीज डेट अनाउंस किया है। तो वो क्या है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एक मूवी हमें देखने मिलेगी नवंबर 8, 2024 को, और एक दूसरी मूवी हमें देखने मिलेगी जून 27, 2025 को। तो यहाँ पर मैं और एक बार रिपीट करके आप लोगों को बता देता हूँ कि उन लोगों ने मूवी का नेम नहीं बताया है। लेकिन बात करूँ गैस की, तो हो सकता है कि नवंबर 8, 2024 को हमें देखने मिले वैनम 3 मूवी, और जून 27, 2025 को हमें देखने मिले स्पाइडरमैन 4 मूवी। तो ये सिर्फ गैस है, इन फ्यूचर हमें पता चल जाएगा। वेट करो, ऑफिशियल कन्फर्मेशन जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसी के साथ सैमुअल एल जैक्सन ने कुछ कहा है। तो सैमुअल एल जैक्सन चाहते हैं कि निक फ्यूरी जाए वकांडा में, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। और इसी के साथ अब बात करते हैं दी मार्वल्स मूवी के बारे में। तो रिसेंटली दी मार्वल्स मूवी का फर्स्ट पब्लिक टेस्ट स्क्रीनिंग हुआ था, और जो ऑडियंस है उन लोगों ने मूवी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो ये रिव्यू निकल के आए हैं, आगे और भी स्क्रीनिंग होंगे जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। और इसी के साथ रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ का भी इंटरव्यू हुआ था। तो क्रिस को पूछा गया था थॉर के बारे में और थॉर 5 के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि वो थॉर 5 मूवी में आएंगे अगर मूवी को अनप्रेडिक्टेबल बनाया जाता है तो, और थॉर को वो फिर से एक न्यू कैरेक्टर की तरह देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, लोग बोर हो जाएंगे वगैरह ऐसा कहा है। तो उन्होंने थॉर 4 देख लिया, उनको भी शायद अच्छी नहीं लगी है। वो खुद चाहते हैं कि थॉर को एक फिर से न्यू कैरेक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाए, और जो मूवी है यानी कि थॉर 5 मूवी, उसको थोड़ा हटकर बनाया जाए, ज़्यादा कॉमेडी ना डाल दे, एक सीरियसनेस हो। और अब बात करते हैं हल्क एंड नेमोर के बारे में। तो रिसेंटली हमें ये पता चला है कि हल्क एंड नेमोर के राइट्स आ चुके हैं मार्वल के पास, और हमें इन फ्यूचर देखने मिल सकता है सोलो मूवी दोनों पे, यानी कि अभी दोनों पे सोलो मूवी, सोलो सीरीज कुछ भी बन सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।